कैप्टन मार्वल एमसीयू की एक सक्सेसफुल मूवी है और आज मैं कैप्टन मार्वल मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा। सो लेट्स गो। दोस्तों, कैप्टन मार्वल मूवी में जब कैरल पहली बार अर्थ पे लैंड करती है तो वो एक ब्लॉकबस्टर वीडियो नाम के स्टोर पे गिरती है और उस सीन में वो एक कार्डबोर्ड पे शूट करती है जो कि होता है ट्रू लाइज मूवी का। लेकिन ओरिजिनली ट्रू लाइज मूवी पोस्टर की जगह वहाँ पे दी मास्क का पोस्टर होता जिसको कैरल शूट करती स्क्रल समझ के मूवी में, जो कि एक जोक की तरह यूज होता है इस मूवी में। लेकिन दी मास्क के राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास नहीं है। दी मास्क डीसी का कैरेक्टर है जिसको डीसी ओन करता है, जिसके चलते फिल्म मेक इस चीज को मूवी में नहीं ऐड कर पाए। दोस्तों, कैप्टन मार्वल मूवी में एक सीन है जहाँ पे मोनिका रैम्बियू कैप्टन मार्वल को उसके सूट के डिजाइन को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रही होती है। तो उस सीन में कैप्टन मार्वल के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स और डिजाइंस दिखाए गए थे उस सीन में, और उस सीन में जितने भी कलर्स दिखाए गए हैं कैप्टन मार्वल के सूट में उस सभी का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। जैसे कि रेड एंड येलो कलर का जो सूट था वो रेफरेंस था डीसी की कैप्टन मार्वल यानी कि शज़ाम को लेकर, जिसका सूट कलर भी कुछ ऐसा ही होता है। और जो गोल्डन सूट दिखाया गया वो रेफरेंस है कैरल के ही मिस मार्वल के कॉस्ट को लेकर जो कि कॉमिक्स में यूज हुआ था। और जो व्हाइट एंड ग्रीन कलर दिखाया गया था वो एक रेफरेंस था री आर्मर सूट को लेकर जो कि कॉमिक्स में था। दोस्तों, कैप्टन मार्वल मूवी के मिड क्रेडिट सीन में कैप्टन मार्वल उस सीन में आती है और पूछती है कि निक फ्यूरी कहाँ है। ये जो सीन शूट हुआ था उस सीन में ब्री लार्सन को कोई आइडिया नहीं था कि वो किससे बात कर रहे हैं, वो अपना लाइन किसको कह रहे हैं। यहाँ तक कि जब वो इस सीन को शूट करने गए वहाँ पे सेट पे भी कोई नहीं था और इनको डायलॉग्स भी दिए गए तो सिर्फ इन्हीं के दिए गए। और मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऐसा इसलिए किया गया ताकि एंड गेम का कोई भी स्पॉइलर बाहर ना जा सके, और एंड गेम के स्पॉइलर को बचाने के चलते ब्री लार्सन को इस तरीके से शूट करना पड़ा इस सीन को। और बाद में जाके ब्री लार्सन के सीन को डिजिटली ऐड किया गया उस मिड क्रेडिट सीन में। दोस्तों, कैप्टन मार्वल मूवी में हमें एक कैट दिखाया गया है जिसका नाम गूज है, जो कि एक टेजरेक्ट को भी निगल जाती है और उसी कैट की वजह से निक फ्यूरी अपना एक आंख खो देता है। तो जो कैप्टन मार्वल की एक्ट्रेस है ब्री लार्सन वो एलर्जेटिक है कैट्स को लेकर, जिसकी वजह से उनके जितने भी सीन्स गूज के साथ दिखाए गए हैं मूवी में वो सारे या तो एक पपेट था या फिर एक VFX जो कि मूवी के शूट के दौरान यूज हुआ था। और रियल में ब्री लार्सन ने कभी भी उस कैट के साथ शूट नहीं किया। और गूज का रोल जिस कैट ने प्ले किया है वो कोई एक अकेली कैट नहीं थी बल्कि चार डिफरेंट कैट्स को यूज किया गया गूज के रोल के लिए मूवी में। दोस्तों, कैप्टन मार्वल मूवी में जो मारिया रैम्बियू का कैरेक्टर होता है उसका पायलट कॉल साइन होता है फोटोन, और कॉमिक्स में मारिया रैम्बो की बेटी यानी कि मोनिका रैम्बियू फोटोन बनती है और उसके पावर्स भी कैप्टन मार्वल से सिमिलर होते हैं। और वांडा विजन शो में हमें ये दिखाया गया है कि मोनिका रैम्बियू को उसके पावर्स मिल चुके हैं और कैप्टन मार्वल 2 मूवी में वो हमें दिखेंगी फोटोन के कैरेक्टर में, और इस चीज का हिंट हमें कैप्टन मार्वल के पहले मूवी में ही कर दिया गया। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस मूवी के फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और वीडियो भी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, और आपको ऐसी मूवीज रिलेटेड फैक्ट्स वीडियोस देखना पसंद है तो डू सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।